दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्वादिष्ट हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाएंगे चावल के आटे से। ये देखिए, हमने एक कप चावल का आटा ले लिया है। इसमें आधा चम्मच हम नमक मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ये देखिए, गर्म पानी हमने ले लिया है। अब चम्मच से इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए पानी ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करके डो बना लेंगे आटे का। देखिए हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको रेस्ट करने के देंगे 5 मिनट। इधर अपने मसाले बनाने के लिए हमने रख लिया है उबला हुआ 2 आलू लिया है हमने, प्याज लिया है, टमाटर, हरी मिर्च। कढ़ाई गरम कर लेते हैं, तेल डाल लेते हैं इसमें। तेल को अच्छी तरह गरम होने देंगे। दोस्तों बहुत हेल्दी स्वादिष्ट नाश्ता है, आप हमारे तरीके से एक बार बना कर देखिए। बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। कमेंट में बताइए फिर हमें कैसा लगा है आप लोगों को। नया रेसिपी है। तेल खूब गर्म होने देंगे हम। अभी इसमें हम थोड़ा जीरा डाल लेंगे। एक चुटकी हींग डालेंगे इसमें। जीरा चटकने तक भून लेते हैं इसको। अभी अपना कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसमें। कटी हुई मिर्च भी डाल देते हैं। इसको फ्राई करेंगे हम। अभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे इसमें। इसको भी फ्राई करेंगे। दोस्तों हल्का फुल्का नाश्ता है, एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। देखिए अपना मसाला डाल लेते हैं हम। छोटे चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधे आधे चम्मच डाला हमने। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। अभी हम अपना कटा हुआ टमाटर भी डाल लेंगे। लाल मिर्च ले लेते थोड़ा सा, आधा चम्मच। नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। अच्छी तरह मसाले को पकाएंगे हम। अभी हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे इसमें, इससे स्वाद बढ़ जाएगी थोड़ी सी। अभी इसको हमें भून लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। अब जो हम आलू तोड़ कर रखे थे उसको भी डाल लेते हैं। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं दोस्तों, हमने अपने हाथों की मदद से तोड़ लिया था। ये देखिए अच्छी तरह से इसको भूनेंगे आलू को मसाले के साथ। अभी हम गरम मसाला डालेंगे इसमें, सॉरी चाट मसाला। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। हमने टमाटर डाला है, आप अगर आमचूर पाउडर है तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमने मसाला निकाल लिया है। अभी अपना चावल का आटा देख लेते जो गूंद कर रखा था।
ये देखिए आटा सेट हो चुका है बिल्कुल। अभी हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गोल गोल बना लेंगे, आलू को भी और इसको भी। ये देखिए हमारा इसका गोलियां बनकर रेडी हो चुका है। अभी हमने चावल 2-3 घंटा भिगो कर रखा था, पक्का चावल है ये, ब्राउन वाला। आप चाहे तो बासमती चावल ले सकते हो। ये देखिए अभी हम हाथों में पानी लगाकर अच्छी तरह से इसको पूड़ियां बना लेंगे इसके हाथों से। इसको पूड़ियां बनाकर सारा भरते जाएंगे इसके अंदर। ये देखिए ऐसे हाथों से बना लेंगे हम। देखिए दोस्तों बहुत टेस्टी नाश्ता है, आप एक बार हमारे तरीके से बनाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट लगती है, नई रेसिपी है ये। ये देखिए हाथों की मदद से ऐसे हम लॉक कर लेंगे इसको। ये देखिए अभी अच्छी तरह से इसको गोल गोल बना लेंगे हम। सारे डो ऐसे ही भर लेंगे, बना कर रख लेंगे ऐसे ही। ये देखिए अभी हम इसके ऊपर ऐसे चावल लगा लेंगे। आप लंबे वाले चावल भी ले सकते हो, उससे और अच्छा बनेगा। ये हेल्दी चावल होती है इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। ये देखिए दोस्तों हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम एक बोल में पानी लेंगे गरम करने के लिए। ये देखिए पानी को हम गरम करेंगे। एक छन्नी वाला बर्तन लेंगे, इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। देखिए अच्छी तरह से लगा लेंगे इसमें ऑयल। देखिए अभी इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। अभी जो हमारा राइस बॉल बना हुआ है उसको इसमें एक एक करके डाल देंगे। भाप के मदद से उबलेगा इसमें। हेल्दी नाश्ता है ये, आप एक बार ट्राई कर देखिए। इसको अब ढक्कन लगा देंगे हम। 15 से 20 मिनट ऐसे ही हम इसको पकने देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। कितना सुंदर हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोगों का हमारा रेसिपी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट करें। ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है।